أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. मैं हूँ सीमा तारिक और आप देख रहे हैं नीड टू नो। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हम UTM कोऑर्डिनेट्स जो कि हमारे पास ईस्टिंग और नॉर्थिंग में होते हैं कन्वर्ट करते हैं डिग्री मिनट और सेकंड में या डेसिमल डिग्री में। मोस्टली हमारे पास ऑनलाइन कैलकुलेटर्स मौजूद हैं जिसमें हम UTM इन्हें ईस्टिंग और नॉर्थिंग में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री मिनट सेकंड में। लेकिन जब हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स होते हैं UTM में और हम उसको कन्वर्ट करना चाहें डिग्री मिनट सेकंड में या डेसिमल डिग्रीज में, तो ये हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है एक एक पॉइंट को कन्वर्ट करना। तो आज मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू दिखाऊंगा कि किस तरह हम बल्क सूरत में यानी बहुत सारे पॉइंट्स को एक ही साथ कन्वर्ट करें डिग्री मिनट सेकंड में। तो इस वीडियो के आज हमारे पास दो पोर्शन होंगे। पहले पोर्शन में मैं आपको UTM को कन्वर्ट करूंगा डेसिमल डिग्री मिनट और सेकंड में और डेसिमल डिग्री में, और उसके बाद जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं इस कन्वर्जन के लिए वो कैसे डाउनलोड होता है और कैसे इंस्टॉल होता है मैं आपको वो कवर करके दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो कि बहुत ही कम यूट्यूब्स पे मिलती है वो मैं अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे इसका मैं बाद में आपको इसका इंस्टॉल करना और डाउनलोड करना सिखाऊंगा, पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस ये इसका पूरा विंडो है इस सॉफ्टवेयर का। इसमें हमारे पास अगर आपके पास सिंगल वीडियो आपने कन्वर्ट करनी है UTM से लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी डिग्री मिनट सेकंड में, तो आप जो है UTM पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप डाटम मैप डाटम सेलेक्ट 84 वाला करोगे, जोन आपका एरिया डेटा जो है वो जिस जोन से है और जिस हेमिसफेयर से है, और साथ में आप ईस्टिंग और नॉर्थिंग पुट करोगे और इसको कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपको यही जो कोऑर्डिनेट्स है आपकी ईस्टिंग और नॉर्थिंग की आपको डिग्री मिनट सेकंड में दे देंगे। सेम अगर आपके पास डिग्री मिनट सेकंड है और आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं UTM ईस्ट एंड नॉर्थिंग में, तो आप यहाँ पे अपना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पुट करते हैं और आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये आपको के पास ईस्टिंग और नॉर्थिंग में आपके कन्वर्जन मिल जाएगी। अब तीसरे जो पॉइंट है जो आज हमारा टॉपिक है वो ये है कि बल्क की सूरत में हम मतलब बहुत से सारे पॉइंट है हमारे पास ईस्टिंग ये UTM में ईस्टिंग नॉर्थिंग में उसको हम डिग्री मिनट सेकंड या डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास हमारा एक एक्सेल शीट होगा जिसमें हमारे वो सारे कोऑर्डिनेट्स होंगे UTM वाले, और उसको हम अपलोड करेंगे यहाँ पे और डाटा हम अपना सेलेक्ट करेंगे जो अभी मैंने ऊपर बताया 84 वाला। लेकिन इस सॉफ्टवेयर पे हमारा जो टेम्पलेट जो है ना जो हम यूज़ करते हैं वो देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे कि क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। ये देखो ये इसका अपना फाइल है, इसमें ना ऐसे हमें यहाँ पे हेमोस्फेयर किस हेमोस्फेयर से और कौन सा जोन है और साथ में हमारे कोऑर्डिनेट्स है। तो पहले मैं इस फॉर्मेट को सेव कर लेता हूँ ताकि हमारा जो डेटा है हम इसी पर कन्वर्ट कर ले, और यहाँ पे जाते हैं फाइल पे सेव इस करके इसको पते डेस्कटॉप UTM इनपुट 1 के नाम से ये हमारा फाइल सेव हो गया होगा। अभी जिस तरह ये देखो सेव हो गया, अपने पास ऑलरेडी UTM में यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कुछ मौजूद है जो मैंने कन्वर्ट करने हैं डिग्री मिनट सेकंड और डेसिमल डिग्रीज में, तो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और मैं जो फॉर्मेट है इस सॉफ्टवेयर का मैं इसको ओपन करता हूँ। इसमें जो ईस्ट एंड नॉर्थिंग की जो बॉक्सेज है मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा अब जो हमें और पॉइंट्स है वो जोन चाहिए कि किस जोन के कोऑर्डिनेट्स है, वो जो डेटा आपके पास होता है उस जोन का आपको पता होगा। अगर पता नहीं भी है तो आप गूगल मैप से जो ना आप देख सकते हैं जिस तरह मेरे कोऑर्डिनेट्स इस एरिया के हैं इस एरिया के जो मैंने लिए हुए। तो एक जो है कि सबसे पहले आप इसका जोन फाइंड करना है तो आप यहाँ पे एक प्लेस मार्क डालोगे, हैंग हो गया यहाँ पे, यहाँ
पे हम प्लस मार्क लगाते हैं और हमारे पास हाँ ये आ गया, क्योंकि मेरा ये मेरा इस एरिया से मैं इस एरिया के मेरे कोऑर्डिनेट है, तो मैंने यहाँ पे एक प्लेस मार्क लगाया। तो उस प्लेस मार्क में आपके पास जोन शो हो रहा है कि 42 जोन है। तो आप अपने फाइल में जब वहाँ पे 42 लिखेंगे और ये 42 ट्रिक करेंगे, सारे पॉइंट इसी 42 जोन से। ये जोन बहुत ही बड़े लंबे जोन होते हैं, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ सर। आप ये देखो हमारा गूगल है, इसको मिनिमाइज करता हूँ। ये भी लाइंस जो आ रहा है आपके पास, ये जोन है जो देखो जोन इतना काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया पर फैला होता है। इस तरह देखो आधा से ज़्यादा पाकिस्तान जोन 42 में आ रहा है, ये 41 में आ रहा है। तो हमारा जो ये डेटा था 42 जोन से था इस एरिया से, तो हमने ये वाला एरिया ले लिया का। और साथ में जो हमारा दूसरा एक पॉइंट है इसमें, ये हेमस्फेयर मतलब कौन सा है हेमस्फेयर। तो हेमस्फेयर हमारा ये होता है कि आप, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह। यहाँ पे इक्वेटर की लाइन जाती है, इक्वेटर से जो नॉर्थ की तरफ होता है वो हमारा नदर हेमस्फेयर होता है, जो साउथ की तरफ होता है वो सदर हेमस्फेयर होता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे जगह पे तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है नॉर्थ एम लिखा हुआ है, अभी अभी ऐसा है। तो आप इस जगह को देखो, मैं आप कर्सर लेके जाता हूँ ऊपर, अभी देखो यहाँ पे नॉर्थ आ रहा है, क्योंकि ये जो एरिया ये सारा नॉर्थ में आ रहा है, बाकी सारा पूरा नॉर्थ नॉर्दर्न हेमस्फेयर पे। अब इस पॉइंट से हम जब नीचे आते हैं तो ये देखो एम जो है ना वो एस बन जाएगा, ये देखो एस बन गया। लेकिन कि ये इक्वेटर यहाँ पे भी जा रही है, तो इससे नीचे जो है ना हमारा सदर हेमस्फेयर है, लेकिन हमारा काम अब यहाँ पे है, क्योंकि कन्फर्म हुआ कि नदर हेमस्फेयर है। तो हम अपने डेटा में जाके यहाँ पे एन लिख देंगे, तो ये हमारा इस तरह से तो हम अप्लाई करेंगे सारे डेटा पे, ये सारा ये नदर हेमस्फेयर का डेटा है। तो अब हमारा ये फाइल पूरा हो गया, इसको हम सेव कर लेते हैं UKM इनपुट के नाम से आता है। अब ये फाइल हम यहाँ पे अपलोड करेंगे UTM input। ये फाइल मैंने अपलोड कर लिया, मैंने जो डॉटम है वो वाला सेलेक्ट कर लिया। अब कन्वर्ट पर क्लिक करता हूँ, डन हो गया, ओके हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा डाटा कैसे कन्वर्ट हो। देखो हमारे पास सिर्फ ये डाटा अवेलेबल था, ईस्टिंग नॉर्थिंग जोन और ये हमारा जो है डिग्री मिनट और सेकंड। देखो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, अब ये 24 डिग्री 58 मिनट 55.3463 सेकंड नॉर्थ, ये सेम इसी तरह। और ये आपका डिसीमल में डिग्री डिसीमल 24.987। अब अगर आपके पास डिग्री मिनट में है डेटा, तो उसको आप डायरेक्टली भी एक्सेल पे किसी सॉफ्टवेयर के बगैर चेंज कर सकते हो डिग्री डिसीमल में, वो मैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊँगा। लेकिन आज की वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था कि किस तरह से हम बल्क में जो नॉर्थिंग और ईस्टिंग का डेटा है वो डेसिमल डिग्री और डिग्री मिनट सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आपने ये देख लिया कि हमने ये नॉर्थिंग ईस्टिंग यानी UTM का जो डेटा था वो हमने कन्वर्ट किया डिग्री मिनट सेकेंड्स में और साथ में डेसिमल डिग्रीज में भी एक साथ इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए। तो ये था आज का हमारा क्लास जो फर्स्ट पोर्शन था कन्वर्जन का। अब सेकेंड पोर्शन में मैंने आपको बताना है, अभी आपने इस डेटा को सेव करना है, फिर अपने मकसद के लिए यूज़ कर सकते हो जहाँ भी आप चाह रहे थे या जिस मकसद के लिए आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे थे। तो ये अभी हमारा डेटा अभी ये क्लोज कर लेता हूँ। अभी मैं आपको बताऊँगी किस कौन सा सॉफ्टवेयर है। ये एक वेबसाइट है ई सर्वेंग सॉफ्ट टेक,
ये आप गूगल में जाके आप पे, ये सॉफ्टवेयर है ज़्यादातर सर्वेयर्स के जो है ना बहुत काम आता है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे हम आ करते हैं ई सर्वेइंग लैट लॉन्ग यूटीएम डाउनलोड, आप लिख दोगे अपने ब्राउजर में, उसको आप क्लिक करते हो, आपके पास जो पहला जो आ रहा है सर्च बार, इसको आप सर्च क्लिक करते हो तो आपका ये वेबसाइट ई सर्वेइंग सॉफ्ट टेक का जो वेबसाइट है आपके पास ओपन हो जाएगा। इसमें आपका एक डेमो भी है छोटा सा, और साथ में सारे इन्फॉर्मेशन स्क्रीन शॉट के थ्रू इन लोगों ने दिखाया है किस तरह आपने कन्वर्ट करना है। तो इन सबको देखो, यहाँ पे आपका जो इक्वेटर की मैंने बात की उधर की, देखो इक्वेटर ऐसे बीच में से गुजरा होता है, इसके नीचे सदरन जोन होता है, ऊपर नदरन जोन होता है। अब हमारा जो पाकिस्तान जो था वो नदरन में था पूरा, हमारा डेटा तो हम नदरन हमने लिख दिया, और साथ में ये जो लाइन है ये जोन की लाइन है। अब इसके बीच में ना एक जोन आता है, जैसे हमारा 42 था तो इसमें 42 आ रहा था, इसमें 43 होगा, 44 सेम इसी तरह चलता जाएगा। तो यहाँ पे भी थोड़ा डेम हो गया आपका। अब ये आप सीधा जो ना नीचे स्क्रॉल करते जाओगे, बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे लिखा होगा utmconverter.exe, इस पे आप क्लिक करोगे, आपके पास जो है ना डाउनलोड अपीयर हो जाएगा। चूंकि मैंने पहले ये डाउनलोड किया हुआ, इस वजह से ये मेरे पास आ रहा है, फिर भी मैं एक दफ़ा इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। स्टार्ट डाउनलोड करके ये डाउनलोड इसकी स्टार्ट हो जाएगी। छोटा सा एक सॉफ्टवेयर 2.87 MB का है, आपका जो ना 1 से 10 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। ओपन फोल्डर करके हम इस जो है लोकेशन पे चले जाते हैं, सॉरी ये रिमूव हो गया है, दोबारा कर लेता हूँ। डाउनलोड स्टार्ट कर लिया, ओपन हो गया। अब ये यूटीएम कन्वर्टर है, पहले भी डाउनलोड हो गया था सारी मशीन स्ट्रीमिंग की वजह से। अब इस पर आप डबल क्लिक करते हो तो आपका सीधा जो है ना यहाँ पे यस करके आपका इंस्टॉल स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मैं इसको नो कर लेता हूँ। तो ये जो है ना सॉफ्टवेयर का मैंने आपको लिंक भी बताया कि कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा ये 1 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप जो है ना ये इंस्टॉल डाउनलोड करवा सकते हैं ई सर्वेइंग सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर से, इनकी वेबसाइट से। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपका इसमें से कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको फीडबैक ज़रूर दूंगा। और साथ साथ मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत से लोग इससे जिनको इनकी ज़रूरत होती है उन तक ये पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।